खबर हाजीपुर से है, जहां राजद ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक खोला है। इसका शुभारंभ पूर्व मंत्री और राजद नेता शिवचंद्र राम ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार की ओर से मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते गरीबों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण राजद की ओर से ऑक्सीजन बैंक खोला गया है और यह कोरोना संक्रमित मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन बैंक में चिकित्सक और सेविकाएं भी तैनात रहेंगी, जो जरूरत पड़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में सहयोग करेंगे। वहीं इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन ने भी निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक खोले जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ऑक्सीजन बैंक के जरिए गरीब लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। स्थापना किया गया है, इससे कोरोना के जितने भी पॉजिटिव मरीज होंगे उनको कोरोना के अंतिम क्षण में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसके लिए आज हम लोग ऑक्सीजन बैंक बनाने का काम किए हैं। इस तरह का पूरे जिला में हम लोग निर्माण करेंगे ऑक्सीजन बैंक का। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे बड़े भाई एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक सिकंदर राम जी, लगातार कोरोना मरीज का देख रेख के लिए हम लोग दिशा निर्देश देते रहते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए चार्ज नहीं, माने इसमें कोई चार्ज नहीं, ये निःशुल्क है, ये गरीबों के लिए है। गरीब लोग आएगा, गरीब कहाँ से आएगा? गरीब जो झोंकड़ी झोंपड़ी में रहने वाला लोग है, बाढ़ में है, किसी स्कूल में रह रहा है, कहीं रह रहा है, वो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा तो उसको तुरंत हम लोग अगर सक्षम है आने के तो यहाँ आवे। यहाँ डॉक्टर रहेगा, कंपाउंडर रहेगा, नर्सेज रहेगा, पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। कोरोना का मरीज आएगा उसको बजावते देखा जाएगा, और अगर जरूरत किसी को गरीब को पड़ा तो बजावते अपनी गाड़ी से उसके घर तक पहुंचाया भी जाएगा।